हाय गाइस, मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले मैंने बताया था कि टेंस कंप्लीमेंट होता क्या है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके नाइन्थ कंप्लीमेंट और टेंस कंप्लीमेंट की वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि सब्ट्रैक्शन बाई टेंस कंप्लीमेंट, मतलब दो नंबर से हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे कंप्लीमेंट में। सबसे पहले हम लेफ्ट राइट देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट पॉजिटिव है और ये राइट में हमारा नेगेटिव है, मतलब हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस हो रहा है। तो अब हम ये राइट हैंड साइड का टेंस कंप्लीमेंट निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक नंबर के लिए नाइन लेंगे, ईच नंबर के लिए नाइन लेंगे। तो नाइन 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 से हम 155 को माइनस करेंगे, 448। यह हमारा क्या निकला है, नाइन्थ कंप्लीमेंट। मैंने बताया था कि टेंथ कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले नाइन्थ कंप्लीमेंट निकालना जरूरी है। तो इसमें 844 में प्लस 1, तो हमारा 845। यह हमारा क्या हुआ है, टेंथ कंप्लीमेंट। यह हमारा हो गया टेंथ कंप्लीमेंट। अब हम 845 में 215 को ऐड करेंगे, 215। तो 5 प्लस 5 0, 4 प्लस 1 5 160, 8 प्लस 2 10। तो इसमें हमारे में कितने डिजिट है, 3। इसमें हमारे में 3 डिजिट है, तो इसमें भी हम 3 ही लेंगे और 1 को क्या ले लेंगे, कैरी कैरी। और इसे क्या कर देंगे, ड्रॉप। इसे हम कैरी लेके इसे हम कर देंगे ड्रॉप। इसमें 3 नंबर है तो हम 3 ही लेंगे। तो इसमें हमारे में इसका आंसर क्या आ जाता है, 60 प्लस, हमारा इसका आंसर आ गया 60। जब हम ये दोनों का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा इसका आंसर 60 आएगा। अब हम देखते हैं कि अब हम स्मॉल नंबर से लास्ट नंबर को माइनस करके देखते हैं कि हमारा कंप्लीमेंट कैसा आता है। टेंस कंप्लीमेंट, इसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 155 और जो राइट हैंड साइड है वो है 215। अब हम निकालते हैं टेंस कंप्लीमेंट। सबसे पहले 999 माइनस 215, तो इसका हमारा आ गया 4785। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इससे ये हमारा 9 आया है, इसमें 1 प्लस करेंगे 785, ये हमारा हो गया 10। इसमें अब हम 785 में 155 हम ऐड कर देंगे, 049, तो हमारा है 940 है। तो ये भी हमारा 3 डिजिट है, ये भी 3 है, इसमें हमारे में कोई कैरी नहीं आया। तो इसे हम फिर दोबारा से टेंस कंप्लीमेंट में बदलेंगे, तो हमारा इसका ये नंबर हो गया इसका टेंस कंप्लीमेंट में बदलने। तो हम इसमें 3 डिजिट 9 लेंगे, 940, तो हमारा आंसर आ गया 59। और इसमें हम 18 चल देंगे तो हमारा आंसर आ गया 60। लेकिन जो यह हम लिखेंगे 60, ये हम पॉजिटिव में नहीं, ये हमारा नेगेटिव 60 आंसर आएगा। इसका हमारा नेगेटिव आएगा, उसका हमारा पॉजिटिव आता। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जब भी कोई छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस होता है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो इसका भी हमारा नेगेटिव में ही आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।